लड़कों को ये कहूंगी जो शादी करते हैं ऐसे कि तुम्हारे पेरेंट्स भले बोलते होंगे ना तो तुम उन्हें समझा सकते हो। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो लड़कों को रखनी ही रखनी चाहिए। दाजी गर्मा गर्म चाय। चाय वाले दाजी आज मस्त धूप आ रखी ना, आज बड़े दिनों बाद सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। लेकिन शाम के टाइम अभी बादलों से ढक गए सूर्य भगवान जी, दिख रहे हैं मेरी आंखों में चमकने लग गए। तो बहुत दिनों बाद धूप आई है दोस्तों बारिश के बाद। आहा, हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी तक धूप थी जैसा कि मैंने आपको दिखाया और फिर से बादल लग गए। तो अभी हम अपनी दीदी के यहाँ पे आए हैं और हमको यहाँ से नाशपतियाँ तोड़नी है बहुत सारी। मेरे साथ मम्मी भी आई हैं। हेलो येल्लो लेडी, कैसी है येल्लो लेडी? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हो, आपकी वीडियो में आऊँ? नहीं आना मेरी वीडियो में। तबीयत पानी बढ़िया है तुम्हारा? अभी ठीक हो। पहले इधर आओ यार, यहाँ पे अंधेरा अंधेरा से क्यों आ रहा? तो दादी भी आ गई, वहाँ देखो दादी आ जाओ। दादी दादी प्रणाम। आ गई है, देखिए कुछ नहीं जी, बस सारी चीजें लगी थी जी। दादी का बगीचा है, दादी हमें हमेशा नाशपाती देती है और हमेशा देती सबको बात दादी आसपास कि बेटा लोग खा लो। दादी सबको फल देती रहती है। दादी क्या क्या लगाया आज इस बार पुंगड़े में? कुछ नहीं, इस समय कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दादी? क्यों नहीं हुआ? बीमार हुआ मैं। दादी बोले बीमार हुआ आप। पर नाशपाती तो दिख रही है, नाशपाती हुई है ना? इस बार छोटी छोटी हो रही है, एक साल बड़ी होती है, एक साल छोटी होती है। अब बड़ों और पानी मिल गया है, अब बारिश हुई है ना। दादी 20-30 रुपए किलो देती है नाशपाती, 30 रुपए किलो। हाँ तो जिसको लेनी होगी दादी से संपर्क करना, 30 रुपए किलो नाशपाती मिलती है यहाँ पे। कोई भी नहीं देगा पकवटी। दादी बोल रही कोई नहीं देता, लोग पैसे देते हैं। नहीं नहीं दादी, जो दादी से ले जाएगा उनको पैसे दे देना भाई, दादी बोल रही। चाय चीनी का खर्चा दादी को चाहिए ना? हाँ, चाय चीनी का खर्चा निकालना दादी को। तो दो अपनी तरफ से, अगर जो 10 किलो नाश्ता दादी से ले जाएगा तो दादी 1 किलो उसको अपनी तरफ से देगी। 30 रुपए किलो ले जानी बल, 30 रुपए किलो। अच्छा दादी आप 30 रुपए किलो ले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। यहाँ सब देखते हैं वीडियो, अब मैंने बोल दिया उनको फ्री में मत ले जाना। दादी बोलनी बल कबक लगे अच्छे मिल बांझ लगे ये बार भाई नीचे बल बेटा मुंगी मत किले नहीं मैं दादी क्या भाव बोलू सरागल क्या भाव सरागल ठीक निकार। हाँ बाबा बरखा ही नहीं है बल, अब बरखा ही बरखा होनी च। अरे ये देखो इसमें डिजीज लग गई है कोई, ये कीड़ा 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 सॉरी इंसेक्ट। अरे कीड़ा लग गया। अच्छा दादी की हंसी देखो, धमाकेदार हंसी। दादी की इयररिंग्स देखो कितनी अच्छी लग रही है। दादी ये सोनक च ना कदक चो अब देखो बनाए मंगा कदक चो बता दे लिया 1 रुपया को। देखो कैसे बोल रही है, 1 रुपए का है बस, 1 रुपए की इयररिंग ले लो वो भी सोने की। ना बस घुगुती छेत की खुद लगी नहीं आ मैं तकी। तुम ध्यान जी हो, तुम तो कोला अंदर पुराने गाने आते दादी को पुराने। दादी का तो साल लग जा, अभी तो छुट्टी छ, अभी तो छोटी है जवान है। आड़ू कच्चे हैं, छोटे वाले आड़ू है ना ये वाले। देखो दादी बड़ा वाला आड़ू नहीं लगाया हम, अभी कच्चे हैं बेटा आड़ू, अभी कच्चे हैं आड़ू, अभी कच्चे हैं दोस्तों, छोटे छोटे। क्या मतलब है इसका बताओ? अरे नहीं पहले ससुराल में जो बेटी है बेटा ना, वो खाना पीना सास में कमी करी थी, हमारा कमी होती थी, मतलब कमी इसलिए होती थी कि था ही नहीं दुकान में, कोई दुकानें थी नहीं, खेती में होता था अनाज, उसी को मतलब साल भर करना था, पूरा करना था, तो बहू के लिए खाना ही नहीं बचा था। आता बोले थी बस सारा सट्टू की माँ चिड़ा लूला चिड़ तो बुखार में भी एक सारा सट्टू का माँ चिड़ा लेला
अभी भुला आई नहीं बात ससुराल में अभी तो भरी खुद लगा तो रूम बढ़ गया। अच्छा कि कब आएगा मेरे भुल्ले? मेरा भुला कब आएगा, कब मेरे लिए चूड़ा लाएगा? ये रहा पहला जमाना ना, ये दादी सास खाना, दादी आपकी सास भी नहीं देती थी आपको खाना, था ही नहीं दादी, दादी बोले हमारे कोई कमी नहीं, मतलब पहले जमाने में थी। नानी तो बोलती थी हमारे यहाँ तो कमी थी, तो कहीं कमी थी कमी कहीं नहीं थी, है ना। हाँ दादा लड़कों को तो पूरा भरपेट मिलता था, बहुओं को नहीं मिलता था, संचय देते थे संचय। अरे तो वो भारी अच्छी चिड़ी गंजूर हो तुम, गंजूर का फूलो खिचड़ी खिचड़ी खाते थे भाई, खिचड़ी गंजूर गंजूर खाई हो तुम्हारा? हाँ गंजूर झुंझुर, और वो कपूलो कपूर नहीं खाई वो कपूर बोले थे आठ भगवान आदमी बढ़िया बने थे मेरा पाते झुंझुर झुंझुर चौली धारा चौली देसी पहाड़ी खाना भून डाल देना भूकम ना भूकम बड़े होता। तो ये पूरी दादी पुरानी यादों में डूब गई है। दादी आप खाते हो आप खिचड़ी गंजड़ा? हम सब कुछ खाते, अभी भी खाते हो? बनाती नहीं अब कम बनाते हैं ना। तो नाशपाती तो काफी बड़ी बड़ी काफी बढ़िया बढ़िया हो रखी है। मेरे नहीं है वो तो दादा का है। दादा का है? दादी बोलिए दादा का है बोलो। पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे बहुत छोटे छोटे थे, अभी देखो इतने बड़े बड़े हो गए। दादी बोली एक तोड़ ले, दादी बोली एक तोड़ ले। अच्छा बेटे ने इतने पत्ते नहीं है जिसमें इसमें फल आ रखे, मैंने दादी या दादी की मेहनत है उसमें, दादी की मेहनत है। सही बात है, दादी और दादी की मेहनत है। एक तो भी तोड़ ले, हाँ बस इतना ही तोड़ने, बाकी दादी हमें दूसरे दिन देगी थैला भर के, दादी हमेशा ही देती है हमें। तो अभी बस हम खाने आए, लेकिन अब मीठा रहे ना, मीठा रहे चख ले दो, अब हम थैला भर के ले जाएंगे। अब हम जाने वाले हैं ना कहीं, बताएंगे आपको कहाँ जाने वाले। फिर ये नोट देना, हाँ दादी को नोट दे, मेरे को चीनी चाहिए चाय चाहिए और क्या। दादी हम आपके लिए चीनी चाय पत्ती लाएंगे, आप हमें नाशपाती दे दोगे? दे दोगे? ठीक दादी को हम पैसे देंगे, दादी खुद लाएगी। ये देखो पेड़ पे अनार भी लग गए है और एक अनार सड़ भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इनको पकने में। तो जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो दादी की बागवानी है ना, दादी से ये लेके जाना। दादी भूखी थे, भूखी भूखी कैसे देते थे ले लेना, जब मुझे दो ना। बाप रे ये वाली नहीं दिया आपने, ये वाली ऐसे भुक्की हमारी ऐसे देते, दादी ने किसी वाली भुक्की दे दी। ये मेरी दादी, ये देखो ये मेरे को अनोखी सब्जी मिली है दादी। क्या एक सब्जी जो घी क्या होगा तब चोरों से, मतलब सब्जी जन आलू की सुन, आलू की सब्जी जैसे होती है जन के बोले वो तो मेरा कुछ नहीं बीमार हो मैं ना, तो ठंगो घरों से पता। अच्छा तो दोस्तों आपने इस सब्जी को देखा है हमें बताना, ये वो एक पात होला ना, ये पत्तियां इस सब्जी की। अभी तो मौलो नहीं, तो बहुत तेल हूँ, कब हूँ वो अब ये असूज के महीने हो गए। पत्ते पत्ते बहुत सुंदर लग रहे हैं ना दादी, शो पीस भी लग रहा चाहिए। तो ये है दादी की प्यारी सी बागवानी। बोलो बल मेरे सब फूल काट के सफेद हो गए यार। दादी बोल रही है तुम पहल के लिए नहीं आया, बल्ले हम बढ़िया हुई चपल फूल है और मौसम देखो दादी, अभी धूप ही चाहिए घाम ही चाहिए और अब देखा फिर से काला बादल है। दादी आपको धूप पसंद है कि बारिश? मेरे को धूप है, धूप पसंद है आपको, बारिश नहीं पसंद? बारिश नहीं। अच्छा फूल दादी वक्त जाकर तुम दगड़े आएगी। दादी प्रणाम, कब जाना छवा? जाओ जाओ जाओ। दीदी यहाँ पे आराम से बैठ रखी है अभी, और ये है हमारा हमारी दीदी का घर। बचपन में हम यहाँ बहुत खेलने आते थे, और यहाँ से व्यू देखो भाई साहब मस्त व्यू लग रहा है। प्रणाम दीदी। प्रणाम बेटा, ठीक ठाक है? हाँ। आप देखो क्या फर्स्ट क्लास रोड बन गई आपके लिए। पापा जी की बुआ है, दिखा दे पापा जी बुआ छो भाई मेरी। ये हाँ, ये मेरे पापा जी की बुआ है, यानी हमारी बुआ। अच्छा हमारी तुम्हारी बुआ? हमारी बुआ जी। हाँ बुआ जी प्रणाम। प्रणाम कैसा लग रहा है रोड पे चलने में? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ताऊ जी को इतना अच्छा लग रहा है कि वो दिन में 10 बार आ जाते हैं रोड में भ्रमण करने। बिल्कुल सही बात है, मैं तो 10 बार के कभी कभी बार बार भी जाना पड़ता है। सही बात है, काम ही ऐसा है ना। बिल्कुल काम ही ऐसा है।
तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे सेब होते हैं खाने में खट्टे मीठे होते हैं पहाड़ी सेब, ये हमारे यहाँ के फेमस सेब है। कितने रुपए किलो मामा जी? 80 रुपए किलो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे पहाड़ी सेब। हम ये वाले आड़ू बड़े पसंद आ रहे हैं हमें अंकल जी। बाली गई आलू। हाँ आड़ू बहुत बाली गई। क्या रुपए चाहिए अंकल जी? 30 रुपए किलो। तो मात्र 30 रुपए वाले जो बड़े वाले आड़ू है ये वाले बहुत मीठे और बहुत मीठे हो रहे हैं ये वाले आड़ू। हाँ। नाशपाती भी है अंकल जी का ना? ये कद अच्छी ये भी 30 की है। 30 30। तो पहाड़ी फ्रूट्स मिलने शुरू हो गए हैं आजकल 30 30 रुपए किलो। मस्त बार्गेनिंग हर जगह बार्गेनिंग। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया था, ये है बड़ा वाला पहाड़ी प्याज। ये कद अच्छा अंकल जी? 30 रुपए किलो। ये भी भैया सब 30 रुपए किलो मिल रहा है क्या? सब कुछ अनार महंगा होगा। अनार कितने का? 120। और ये हमारे यहाँ के पहाड़ी आलू, इनकी कीमत है 25 रुपए किलो ना। तो आपके यहाँ आलू कितने का मिल रहा है बताना। हमारी पहाड़ी ककड़ी, इसका क्या प्राइस है अंकल जी? 40 रुपए। ये 40 रुपए किलो है तो ककड़ी यहाँ पे 40 रुपए किलो रखी है। शिमला भी पहाड़ी है। अच्छा शिमला मिर्च भी आजकल गांव में हो रही है ना बहुत। इसका क्या प्राइस है शिमला मिर्च का? 60 रुपए किलो। तो एकदम ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल के शिमला मिर्च मिलती है। मतलब लगभग जितनी चीजें बताई, ककड़ी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, सब लोकल है। ये टमाटर लोकल है? टमाटर भी लोकल है। टमाटर कितने का? 40 रुपए। हाँ तो ये भी यही हो रखा है, ऑर्गेनिक है बिना केमिकल का। ये भी 40। पूरे 3 किलो की बंद गोभी देखिए, पर कहीं कहीं इंजेक्शन से फुलाते हैं, पर ये तो एकदम प्योर वाली है ना, ये बिना इंजेक्शन वाली गोभी है हमारे यहाँ। मम्मी को बड़ा डिस्काउंट मिला है मुझे लग रहा है। तो अभी बज गया है रात का 8 और घूम फिर के हम घर आ गए, और यहाँ पे लाइट भी चली गई है, सब जगह लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है नीचे घर पे। तो मैंने सोचा कि छत पे आ जाते हैं थोड़ी देर और घूम लेते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने एक जो पोस्ट डाला था शादी वाला कि शादी होने वाली है, इसलिए मैं बिजी हूँ, व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। अभी तक उस पर कॉमेंट आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन्स के, और मैंने जबकि एक वीडियो उस पर बना भी दिया है कि मेरी शादी नहीं है, मेरी फ्रेंड की शादी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बिजी होते हैं, सारे ब्लॉग्स नहीं देख पाते, तो ये वाला ब्लॉग भी नहीं देखेंगे, तो फिर से वो यही पूछेंगे। तो अगर ये ब्लॉग देख रहे हो आप, तो मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है। तो अभी मेरी शादी नहीं हो रही है। वैसे शादी शादी सुन के सब कितने खुश हो जाते हैं ना, होता वो एक ही दिन की खुशी है। मतलब मैं ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, जिनकी शादी हो गई है वो बताते हैं कि एक ही दिन की खुशी होती है, बाकी खुशी नहीं होता, बाकी सब नॉर्मली लगने लग जाता है, तो सब खुश हो जाते हैं। फिर भी शादी सबको ही करनी होती है, वही वाला सीन हो जाता है। तो अभी हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने पहाड़ी शादी आपको दिखाई है ना, तो यहाँ पे कितनी सिंपल शादियाँ होती है। तो मेरी एक फ्रेंड है वो देसी है, मतलब बाहर रहती है, अभी भी मतलब ऐसी शादियाँ होती है कि बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा वर्चा सब कुछ आता है, ऊपर से दहेज भी लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि तुम्हारे यहाँ यार कितनी सिंपल शादी होती है, यहाँ पे दहेज वहेज तुम्हें देना नहीं पड़ता। वो मुझसे पूछ रही थी, मैंने कहा ऐसा दहेज का कोई सिस्टम तो है नहीं, जिसका मन जितना करता है उतना दे देता है मतलब बेटी को। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है, मैं मतलब वो जगह भी नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि हमारी जगह का नाम ऐसी बदनाम कर रही है। तो कई जगह ऐसा होता है कि दहेज तो देना ही देना होता है, इतना खर्चा होता है वहाँ पे, इतना खर्चा होता है, तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं। मतलब कि अभी तो शादी भी करनी है और बहुत सारा खर्चा होगा, वो हमने पैसे वैसे जमा कर रही थी तो बता रही थी मुझे। और एक और चीज़ बोली उसने कि अगर लव मैरिज होती है तो तब तो फिर भी कम होता है खर्चा, क्योंकि शायद वो लड़के को मना वना लेते होंगे कि अपने मर्ज़ी से शादी, तो फिर लड़का भी मान जाता होगा। लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, वो बता रही थी। तो बताओ अभी भी आज के ज़माने में जब बोलते हैं हम कि दहेज जैसी चीज़ें नहीं है, डाउरी नहीं होती, लेकिन अभी भी इतना सब कुछ होता है ना, एग्जिस्ट करती है चीज़ें। तो मैं तो भाई उन लड़कों को ये कहूँगी जो शादी करते हैं ऐसे, कि तुम्हारे पेरेंट्स भले बोलते होंगे ना, तो तुम उन्हें समझा सकते हो। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो लड़कों को रखनी रखनी चाहिए कि भाई हम खुद कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे मत मांगो, लड़की के जो घर वाले उन्हें इतना परेशान मत करो, है ना। तो अभी भी बहुत केसेस आते हैं ऐसे, तो ये गलत है। अगर जहाँ भी ऐसा होता है ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों अभी देखो फिर से और रात होती जा रही है, तो अभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।